मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्यगण, इस सभागृह में उपस्थित उतने पूजातियों के मातृशक्ति एवं बंधुगण, आज सौभाग्य का दिन है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधिसभा के शताब्दी वर्ष के निमित्त हम सब यहाँ सारे देश में के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद तो सर्वप्रथम मैं महामंत्री श्री प्रकाश जी आर्य को दूंगा, विनय जी आर्य को दूंगा और पंडित राज ब्रह्मचारी राज सिंह जी को और सभा के सभी मान्यवरों को। एक वर्ष पहले हमने तय किया था कि प्रांतों के अंदर सम्मेलन हो और सम्मेलनों के माध्यम से सारा राष्ट्र जागृत हो जाए। ऋषि दयानंद के 125वें वर्ष का भी कार्यक्रम सारे राष्ट्र में और विश्व में हो, उस प्रकार की रचना के अंतर्गत प्रांत के अनुसार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं गत दिनों के इतिहास का विषय भी चला, यहाँ पर इतिहास लिखा जाएगा, 75 के बाद जो इतिहास लिखना बाकी रहा है आगे का वो भी लिखा जाएगा। हम इतिहास को देखेंगे, वर्तमान में चलेंगे और भविष्य के निर्माण के लिए सारे विचारधाराओं को आप सबको साथ लेकर चलने का हमारा प्रयत्न है। जो हमारे साथ आएंगे हम उनको लेकर चलेंगे, जो नहीं आएंगे तो भी हम चलते रहेंगे। चले तो रहे मंजिल तो मगर ज्यों ज्यों बढ़ते गए कारवां बनता गया और सत्य की विजय हमेशा होती रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन ज्यादा समय न लेते हुए मैं महाराष्ट्र की ओर से आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, उस धरती पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, शिवाजी महाराज की धरती पर, जिस शिवाजी महाराज के विषय में कवि प्रदीप ने कुछ पंक्तियां लिखी है। ये है मुल्क मराठों का, ये जहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे निशान की, इस धरती से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उस महाराष्ट्र की भूमि में 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को एक बड़ा व्यापक प्रांत का सम्मेलन हो रहा है। मैं सभी प्रांतों के मान्यवरों से विनंती करूंगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आएं और हमारी सेवा को स्वीकार करें और ऋषि के ऋण से उऋण होने के लिए आप सब वहां पर आएंगे। और साथ में हमने सस्वर वेद पाठी विद्वानों का भी सम्मान रखा है, जो कंठस्थ जिनको वेद है, जो विद्वान कंठस्थ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे उन्होंने परंपरा को जीवित रखा है, ऐसे सस्वर वेद पाठी विद्वानों का भी सम्मान होगा। और माननीय शीला दीक्षित जी को भी हमने विनंती की आने की। मैं आदरणीय प्रकाश जी से जिन्होंने मुझे सूचना दी है मैं उनका आभारी हूँ और सार्वदेशिक सभा के शतवर्ष के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।